नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारी खास पेशकश है रामराज से बड़ा शिवराज। आप किसी की कितनी तारीफ कर सकते हैं, उतनी ही जितनी की डाइजेस्ट हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने 2 दिन पहले सीएम साहब की तारीफ जिन शब्दों में की, उसके बाद तो आगे कहने के लिए जैसे शब्द ही खत्म हो गए। मंत्री महोदय ने कहा रामराज से भी बेहतर है शिवराज। उनके से ऐतिहासिक स्टेटमेंट के बाद कायदे से सारी दलील और तर्कों को लकवा मार जाना चाहिए, पर फिर भी कुछ ढीठ सवाल डटे खड़े हैं जिनके जवाब तलाशने की हम आज कोशिश करेंगे। मंत्री जी के इस बोल वचन पर क्या कहेंगे आप? क्या कहा आपने? कान झन्ना गया। अरे साहब, आप तो इंसान हैं, ऐसे सदवचन सुनकर तो गधे को भी बुखार आ जाए। बल्कि सीजन के हिसाब से बीमारी चुने तो ये कहना सही होगा कि गधे को भी स्वाइन फ्लू हो जाए। वेद के पन की हद ही हो गई। ठीक है, जमाना सेल्फ ब्रांडिंग का है और चापलूसी के बगैर राजनीति में गुजारा भी नहीं। पर थोड़ा तो लिहाज करें जनाबे आली, पब्लिक भोली है, मासूम है, पर बेवकूफ नहीं कि आप कुछ भी कहें और वो उसे मान ले। एमपी में हाल के कुछ वक्त पर नजर डालें तो आफतों जैसी नॉनस्टॉप मार उस पर पड़ी है, वैसे कई बरसों में नहीं पड़ी। इसके पीछे सरकार का बड़ा योगदान रहा है। फिर भी अगर कोई ये कहे कि शिवराज के आगे रामराज भी पानी भरता है तो सिवाय इसके और क्या कहे कि चलिए सरकार मान लेते हैं कि एमपी में अच्छे दिन चल रहे हैं। हैरानी ये कि एक मंत्री महोदय ने शिवराज को रामराज से बेहतर कहने से गुरेज नहीं किया, तो दूसरी ओर और भी नेताओं ने सीएम साहब की शान में कसीदे पढ़ने में जरा भी देरी नहीं की। जो उमाशंकर जी ने कहा वो सही बात तो कही है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जो आपको 100 रुपये देता हो और 90 रुपये वापस लेता? सत्ता के मुखिया इस प्रकार का कार्य मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में हो रहा है कि लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम के राज्य में जो है टैक्स में भूसा लिया जाता था, अब वैसे ही शिवराज जी के राज्य में हम 1 लाख रुपए अगर किसी को ऋण देते हैं किसान को तो बदले में 90,000 लेते हैं। ये बात सही है कि शिवराज जी का राज्य कई अर्थों में हमारे सबके लिए वर्तमान में पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य सरकार चलाने का तरीका है। पूछ रही है हवाएं, ये कैसा रामराज है जहां कुपोषण के चलते सबसे ज्यादा बच्चे मौत की नींद सो जाते हैं? ये कैसा रामराज है जहां की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है? ये कैसा रामराज जहां बीते साल रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई? ये कैसा रामराज जो किसान आत्महत्या के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल है? ये कैसा रामराज जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं? ये कैसा रामराज जहां 65 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार अंधेरे में अपने भविष्य की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राज राज का हू न व्यापा, ये है रामराज का पैमाना। क्या अपने दिल पर हाथ रखकर कोई नेता कोई मंत्री शिवराज के बारे में भी यही कह सकता है? बोलिए सरकार, पूछ रही है जनता। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
तो वाकई बड़ा सवाल है, क्या राम राज में से भी बड़ा हो गया है शिवराज? यहां पर जहां पर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा शिशु मृत्यु दर हो, टॉप 5 जो लिस्ट में आ गया है किसान आत्महत्या मामले में जो प्रदेश, क्या वाकई वहां पर राम राज है, राम राज से भी बड़ा शिवराज है? डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के, जेपी धनोपिया जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और दीपक तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। धनोपिया जी, पहला सवाल आपका भी, क्या आपको भी फीलिंग आ रही है राम राज से बढ़कर शिवराज हो गया है? अभिषेक जी, चापलूस हर युग में पैदा हुए हैं और मध्य प्रदेश में अभी मंत्रियों के रूप में चापलूस हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग, जो राम के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग, आज भगवान राम की किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से कल्पना कर रहे हैं, किस तरह से चापलूसी कर रहे हैं कि जिस प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हुआ हो, कुपोषण हुआ हो, बलात्कार हुए हैं, घटनाएँ रोज देखने को मिलती हैं, चोरी डकैती, मंत्रियों की सीढ़ी आ रही हैं, मंत्री अनाचार में डूबे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी देशद्रोह के काम कर रहे हों और उसे रामराज से तुलना कर रहे हैं, ये भगवान राम का अपमान है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को चापलूसी करने का पता नहीं कैसे दिल इनका हो जाता है। ऐसे लोगों को तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है, और शायद शिवराज जी तो शायद दंड नहीं दे सकते क्योंकि वो तो चापलूसी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। अब जनता ही इनको इस बात का जवाब देगी आने वाले समय में। उमाशंकर गुप्ता को मालूम पड़ेगा स्थिति क्या है। वास्तविकता यह है कि 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने का कार्य शुरू हुआ है और जानकारी मिली है कि उमाशंकर गुप्ता का नाम उसमें शामिल है। इसी उमाशंकर गुप्ता ने सब कुछ आव दाव लगाकर अपने आप बचाने के लिए निगान किया है कि शिवराज जी प्रधानमंत्री जी को भगवान की तुलना करते हैं और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए शिवराज जी को बता रहे हैं कि वो रामराज से भी ऊपर हो गए हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचार में डूबे मंत्री, भ्रष्टाचार में डूबे अफसर, काम हो नहीं रहा है, मंत्री अलग परेशान है, सारी घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है। शर्म झुक जाता है, सर इतना नीचा होता है इस प्रदेश के नाम पर। क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में? ऐसा कौन सा कलंक यहाँ नहीं हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे हैं। वही रामराज की विजय वर्गीय जी, वाकई ऐसा है जैसा कि बता रहे धनोपिया जी, कुर्सी जाने वाली है इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की चापलूसी की जा रही है और रामराज से भी बढ़कर शिवराज को बता दिया जा रहा है। देखिए धनोपिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के लोग पिछले 14-15 सालों से परेशान हैं कि कांग्रेस जो रसातल में जा रही है उससे उबरने का क्या तरीका है। तो पहली बात तो यह है कि आधारहीन और अनर्गल आरोप लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि अब इनके पास कौन सी खुफिया एजेंसियाँ नहीं है जिससे इन्होंने ये भी पता लगा लिया कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने वाला है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार और उनका क्षेत्राधिकार होता है, उनके अलावा किसी को मालूम है और धनोपिया जी को मालूम है तो ये भी इस संबंध में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उमाशंकर गुप्ता जी ने जो कुछ कहा है उसको सही संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। उन्होंने उस फसल ऋण की चर्चा करते समय कि किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो सारी बातें रखी हैं और उसमें उसी संदर्भ में ये कहा है कि जो ब्याज फसल ऋण के ऊपर ब्याज नहीं लेने की बात है और बल्कि मूलधन से भी कम देने की बात है, ऐसा सारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो एक तथ्य रखा है उन्होंने, एक बात रखी है। अब जनता के बीच जब जाते हैं तो कई बार बात करने का ज्यादा ही नहीं बोल गए, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि रामराज से भी बढ़कर बता दिया? वो भी वहां पर जहां पर शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आत्महत्या के मामलों में टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश ज्यादा से ज्यादा, नहीं ऐसा कतई नहीं है। देखिए ऐसा है, कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं या सुसाइडल जो घटनाएं होती हैं उसको कि किसान है या दलित है या ऐसा महिला है, इस तरह से जोड़ के देखना ठीक नहीं होता, उसकी अपनी अपनी वजह होती हैं। लेकिन आज हम उमाशंकर गुप्ता जी के बयान के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि फसल ऋण में जो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने जो छूट दी है वो इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। दीपक तिवारी जी, आप कितने सहमत हैं उमाशंकर गुप्ता जी के इस बयान से और उस बयान को पकड़कर धीरे धीरे कुछ और मंत्रियों ने भी हामी भर दी? जी अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी, राजनीति में जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी बॉस है, उसकी तारीफ करना कोई नई बात नहीं है। वेंकैया नायडू ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि वो ईश्वर के अवतार है। आपने भी अभी रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।
दीपक विजयवर्गीय जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है। बिल्कुल ठीक बात है, 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तुलसीदास जी ने ही कहा है कि प्रभुता पाए काय मद नाही, अस को जन्मा जग नाही, प्रभुता पाए काय मद नाही। ऐसा आज तक इस धरती पर कोई जन्मा नहीं है कि जिसमें प्रभुता आने के बाद में, सत्ता आने के बाद में मद ना आया हो। तो बहुत सारे मंत्रियों के जो कई बार बयान होते हैं वो मदपूर्ण होते हैं, वो बहुत ज्यादा दम्भोक्ति से भरे होते हैं और मुझे लगता है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा बचना चाहिए ये सब, क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग, हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपनी हंसी उड़वाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ही ताप हैं आज मध्य प्रदेश में, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताए भी हैं। जी जी बिल्कुल, ये तीनों ही ताप यहाँ पर है। वाकई में ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है और मजबूरी भी है, कुर्सी जाने का भी डर क्या दीपक जी वाकई है, जैसा कि धनोपिया जी बोल रहे हैं ये एक मजबूरी बन गई है। देखिए कुर्सी जाने की जहां तक बात है तो उसको लेके बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं किसी भी एक चीफ मिनिस्टर के सामने, और रहा सवाल अगर इस तरह के बयान दे के कोई अपनी कुर्सी बचा पाए तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति इतनी आसान और इतनी सिंपलिस्टिक है। हाँ ये जरूर है कि इस तरह की बात जब कोई मंत्री करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो मुख्यमंत्री के लिए गुड ह्यूमर में रखे, और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उमाशंकर गुप्ता की जी की बात अगर हम करें तो वो कभी शिवराज सिंह के करीबी मंत्रियों में नहीं रहे गए। सबसे पहली बार जब वो मंत्री बने थे तो बाबूलाल गौर ने उनको मंत्री बनाया था और उसके बाद में वो भोपाल के कोटे से हैं। भोपाल के आजकल जो नवोदित मंत्री हैं वो हैं विश्वास सारंग, वो काफी समय से अपने आप को थोड़ा सा हाशिए पर भी महसूस कर रहे थे। तो इस तरह के बयानों से कोई मंत्री पद अपना बचा लेगा, और मुझे नहीं लगता कि उमाशंकर गुप्ता के मंत्री पद पर कोई खतरा है जहां तक मेरी राजनीतिक समझ। धनोपिया जी 14 साल से वनवास में हैं आप, क्या यही एक वजह है कि आप लोगों को हर चीज बीजेपी जो भी करती है नेगेटिव दिखता है? नहीं नहीं, देखिए नेगेटिव दिखता नहीं है, नेगेटिव होता है, सामने स्थिति है, किस तरह के बयान उनके आते हैं मंत्रियों के, सारी आपके सामने स्थिति आती है। कोई विधायक पत्रकार को कुछ बोलता है, कोई मंत्री बच्चे से जूते के बंद मनवाता है, कोई पटवारी को गाली बकता है, कोई महिला का अपमान करता है, घमंड और डूबे हुए लोग हैं, ये सारी की सारी बातें साफ हैं, दिखता है। वास्तविकता ये है कि हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बातों को वो कर रहे हैं, जो हो रहा है वही तो दिख रहा है। क्या हो सकता है भगवान राम के नाम पर, आप, मैं भी भगवान राम को मानता हूँ, हम सब भगवान राम मानते हैं, आप राम राज से भी अच्छा बना रहे थे, एक चापलूस व्यक्ति है और ऐसे चापलूस व्यक्तियों को सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? संविधान की शपथ लेने के बाद लोग इस तरह की चापलूसी करते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। कम से कम सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्या किसान सम्मेलन में बात करते थे कि लोन मिलता है 1 लाख मिलता है और 90,000 लौटाए जाते हैं? श्रीमान जी इसकी डेडलाइन है, अगर 31 मार्च से पहले किसी ने लौटा पाया तो कहां से होगा, फसल आती नहीं है, बिक्री होती नहीं है, लौटा पाता नहीं है, इक्का दुक्का आदमी मुश्किल से हो पाता है। और इस प्रदेश के अंदर अभी पिछले 2-3 महीने पहले की घटना है, मंदसौर में तो गोलीकांड किया गया है, सरकार ने गोलियों से भिजवा दिया किसानों के लिए, किस किसान की बात करते हैं, कौन से रामराज की बात करते हैं ये लोग? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दौरा चक्र है और ये दौरा चक्र बहुत जल्दी उजागर हो चुका है, सारे लोग जानते हैं। जबरगी जी, बाकी किसान की स्थिति तो आप अगर किसानों के संदर्भ में भी उमाशंकर गुप्ता बोल रहे थे तो बहुत अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में, बल्कि कहा जाए बहुत बुरी है। देखिए मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति 14 साल पहले के मुकाबले काफी अच्छी है, और 14 सालों की अगर हम तुलना करें, 14 साल तो पहले मध्य प्रदेश में किसानों गोली नहीं मारी गई थी पुलिस के द्वारा, सही है। देखिए ऐसा है कि मैं धनोपिया साहब से अनुरोध करूंगा कि 2002 में जो मुल्ताई में गोलीकांड हुआ था, वो बरेली में गोलीकांड हुआ था उसकी चर्चा कर लें, मुल्ताई में जो गोलीकांड हुआ था उसकी चर्चा कर लें, और उन सारे मुल्ताई गोलीकांड वो कौन लोग थे उन सारे लोगों को भी पता कर लें। जो मुल्ताई गोलीकांड का सरकारी कांग्रेस से कोई वो नहीं था, वो किसान आंदोलन था, उसको भड़काने वाले लोग दूसरे थे और कार्रवाई करने वाले दूसरे लोग थे, सरकार ने सीधी कोई कार्रवाई इस पर नहीं करने तो की। ये चुनाव के 1-2 महीने पहले कौन, 1-2 साल पहले कौन कौन लोग सक्रिय होते हैं, मैं समझता हूँ पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव देख लिए जाएं और किसानों की ये जो कथित आंदोलन के रूप में जो चीज़ें शुरू होती हैं उनको देख ली जाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारा निवेदन इतना है कि उमाशंकर गुप्ता जी ने जो कुछ कहा है वो एक तथ्य को रखने का तरीका है, अब उसमें तथ्य को रखने के तरीके के ऊपर आपकी सहमति असहमति हो सकती है।
लेकिन उन्होंने केवल एक साधारण बात कही है कि 100 रुपये पर के लिए जाएं फसल ऋण के लिए और 90 रुपये वापस किए जाएं, इतनी रियायत किसी सरकार ने पिछले मानव इतिहास में नहीं दी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसको आप उन्होंने जनता को समझाने के लिए कोई तरीका बढ़कर बताया, उससे आपकी सहमति साधारण बात नहीं है। रामराज की एक उदाहरण यहाँ पर दी जाती है, कल्पना आप तक की जाती है, उससे भी बढ़कर बता देना तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें जाना स्वाभाविक है। यहाँ पर उन्होंने बयान देकर सबकी निगाहें खुद अपनी ओर खींच ली है, सवाल उठना लाजमी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। स्वागत ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं किसानों की स्थिति को लेकर। मध्य प्रदेश में तमाम जो स्थितियां बनी हैं और उन तमाम स्थितियों के बीच में चापलूसी की एक प्रतियोगिता से शुरू हुई है, उसके बाद जो बातें यहां पर निकल कर आई हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं दीपक तिवारी जी। बातें हमने यहाँ पर सुनी, सभी के अपने अपने यहाँ पर तर्क हैं। क्या वाकई सत्ता को ज़रूरत होती है इस प्रकार की चापलूसी की? क्या वाकई सरकारों की इमेज इससे अच्छी बनती है? ये बात ऊपर बैठे लोग नहीं समझ पाते। देखिए, सरकार की इमेज चापलूसी से बनती है नहीं बनती है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सभी लोग बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमेशा इस तरह के जो उदाहरण है, इस तरह के जो प्रतीक है वो चुनती है, जिसमें राम का नाम आए, भगवान राम का नाम आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन चलाया, सफलतापूर्वक उस आंदोलन को चलाया जैसा वो लोग वो चाहते थे। उसके नाम पर उन्होंने काफी दिनों तक राजनीति की है। और आपने आज तुलसीदास जी की बात से शुरू की थी, तो तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, बंचक भगत कहाई राम के, कंकर किंचन कोह काम के, तिनमह रेख प्रथम जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धौरी। यानी कि वो जो भगवान राम के नाम पर बंचक भगत कहाई राम के, कंकर किंचन कोह काम के, और जो पूरी तरह से मणि माणिक्य काम क्रोध इन सब में डूबे रहते हैं, और फिर उसमें वो कहते धींग धर्म ध्वज धंधक धौरी, ऐसी धींगा मस्ती करने वाले, धर्म की ध्वजा आके लेके आगे चलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, भी तुलसीदास जी ने कहा है। पर इतना आगे ले जाने की बात नहीं है, राजनीति गणेश परिक्रमा करने की चीज है, जो भी नेता होती है, जो भी नेता होता है, मंत्रियों के इर्द गिर्द उसके अपने समर्थक घूमते हैं, विधायक के इर्द गिर्द उसके समर्थक घूमते हैं, वो पांव पड़ने वाले लोग होते हैं। तो ये भी एक तरह से मुख्यमंत्री को खुश करने की शैली है कि आपका राज्य महान राज्य है, इसके पहले आज तक कोई ऐसे मुख्यमंत्री हुए नहीं है ना होंगे, तो ऐसा करके। पर इसका कितना लाभ होता है ये मैं, विजय वर्गीय जी, क्या वाकई लाभ होता है? इस प्रकार के बयानों की जरूरत महसूस होती है सरकारों को? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये कम्युनिकेट करने का किसी भी नेता का, किसी भी व्यक्ति का अपना तरीका होता है, लेकिन जो कुछ उमाशंकर जी ने कहा वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ उसको उसी संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए जो उसकी स्पिरिट है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर धनुपिया जी, ये नहीं लग रहा था, और इस प्रकार के बयानों से उल्टा इमेज डैमेज होती है सरकार की। देखिए अभिषेक जी, वास्तविकता ये है कि जब अगर लोगों ने फैसला ही कर लिया कि हमें चापलूसी करना है और हमें झूठ बोलना है, हमारे को अपने नंबर बढ़ाना है, हमें तो अपने बेईमान भ्रष्टाचार में काम करना है, तो कोई क्या करेगा? आप और हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अगर इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है, कुर्सी जाने का खतरा अगर नहीं है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि कुर्सी जाने की स्थिति दिखती नहीं है, फिर चापलूसी लेवल पर क्यों हो रही है? जो लोग पैर पड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ तक देखा गया है कि मंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों के लोग पैर पड़ते नजर आते हैं। क्या स्थिति है? मंत्री हैं, विधायक हैं, पैर पड़ रहे हैं जाके, तो ये सारी परंपराएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं कुर्सी के मुँह में ही तो हो रहा है, कुर्सी का मोह ही तो है। और आजकल उमाशंकर गुप्ता की तो हालत यह हो चुकी है कि उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुआ। रोपिया जी, आपके कांग्रेस में भी ये परंपराएं बहुत है, हटाने की बात चल रही थी, और मैं समझता हूँ नहीं, परंपरा है, लेकिन ऐसी परंपरा नहीं, कुर्सी बचाने के लिए इस तरह से नहीं होता। हमारे भगवान राम का अपमान नहीं कर सकते हम लोग, कम से कम भगवान राम के लिए तो जितना हम लोगों ने किया है, भगवान राम का मंदिर का तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, आपको आश्चर्य होगा। व्यापारी रोल नहीं बनवाएंगे, ये उन्होंने क्या गलत किया था बताइए आप मुझे, ऐसा क्या उन्होंने कहा था उनको ट्वीट पे? आप लोगों को कुछ गलत नजर बात कही है, डंके की चोट पे सही कहते हैं उनकी बात,
चापलूसी करने वाले लोग हैं, भांडगिरी करने वाले लोग हैं, चारण लोग हैं। ये लोग क्या है? मंत्री के लायक थोड़ी लोग हैं। इनको तो खड़ा कर देना चाहिए किसी चौराहे पर और किसी मंदिर में बिठा देना चाहिए जिससे कि वो बात मान पड़ सके। हद हो रही है कि संविधान शपथ लेके आप इस तरह से भगवान राम का अपमान कर रहे हैं और एक व्यक्ति विशेष को जो खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसका परिवार रेत कांड में डूबा हुआ है, खनन माफिया रेत माफिया में उसका नाम जुड़ा हुआ परिवार का, व्यापार में घोटाला में नाम जुड़ा हुआ है, सारी झगड़ों को व्यक्ति का भगवान राम के साथ तुलना कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, मंत्रियों को और जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको व्यक्तियों को भी। विजय वर्गीय जी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि धनोपिया जी या कांग्रेस के तमाम नेता जो गांधी परिवार के चरणों में गिरने में जो भगवान राम नहीं बोलते हैं, इनमें से जो कोई पहुंच जाते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी, उनके चरणों तक भी पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को धन्य समझते हैं। और जो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार के चरणों से शुरू होती है, तो चापलूसी और चारण और इन सारी चीजों से कांग्रेस को आपत्ति है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। बाकी आज की स्टोरी अपनी जगह है। जी जी, कांग्रेस को इस तरह ये कहने का हिम्मत कैसे आ जाती है, मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है कि कोई दूसरा चापलूसी कर रहा है या चारण है। बाकी बात तो तथ्यों की है, तो उमाशंकर जी ने तथ्यात्मक बात कही है जो ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। दीपक तिवारी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आप भी कर दें, क्या वाकई अभिषेक जी पर ये दोनों दलों में खूब है? ये चापलूसी जो है ये दोनों दलों में खूब है। कांग्रेसी भी कोई कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कुछ नहीं है, कम नहीं है, पर जो पार्टी सत्ता में होती है और खासतौर से जो 14 वर्षों से सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, इसलिए क्योंकि जो विपक्ष में है वो लीड नहीं कर रहा है, लीड आप कर रहे हैं, और जो लीड करता है उसको अपने उदाहरण से लीड करना चाहिए, लीडिंग बाय एग्जांपल एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल यू आर सेटिंग। आप चापलूसी कर रहे हो, आप बजाय काम करने के दूसरी चीजें कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता और प्रश्न उठना बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई गलत बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में जो सत्ता में बैठा होता है जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, महज जुबानी तुलना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सब जानती है, वो अपने हिसाब से तुलना करती है और फिर आगे बढ़कर उस हिसाब से सबक देती है। खास पेशकश में इतने ही, नमस्कार।